भारत माता की बढ़ेगी शान। आज यहाँ पर आए सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सबने हमारे वात्सल्य परिवार को इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में आने का मौका प्रदान किया। आज हमारा वात्सल्य परिवार आप सबके सामने पेश करने जा रहा है अपना एक छोटा सा नाटक जिसका विषय है मैं कौन हूँ। इस नाटक में हम आप सभी को सेल्फ रियलाइजेशन कैंप से जुड़ी कुछ चीजों के बारे में जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे कुछ समय पहले पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा था, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन नाम के 41 से कैद होकर रह गया था, जिसकी वजह से लोगों की रोजाना की जिंदगी में काफी नए परिवर्तन आए। जहां लोग डेली अपने काम धंधों पर जाते थे और जहां बच्चे डेली अपने स्कूल कॉलेज ट्यूशन इंस्टीट्यूट कोचिंग जा रहे थे, वे सभी के सभी घर में कैद होकर रह गए थे, जिसकी वजह से वे सब काफी परेशान थे। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, जिसे देखते हुए हमारे वात्सल्य परिवार ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को भारत की संस्कृति के बारे में कुछ बताया जाए। तब हमने हमारे वात्सल्य में बच्चों को वैदिक शिक्षा देनी प्रारंभ की। वैदिक शिक्षा के साथ साथ हमने बच्चों तक स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों को भी पहुंचाया, जिनका उन पर काफी प्रभाव पड़ा। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हमारा आज का नाटक मैं कौन हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा नाटक काफी अच्छा लगेगा। हाँ, हमें से कोई मजा वक्का लगा तो नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि हम बेझिझक अपनी बात आप सबके सामने रख पाएंगे और आपका दिल रख पाएंगे। तो कृपया हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जो बात हम आप सभी को बताना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। इसके बाद हिंदुस्तान में ना पहले तो ये मुस्कान है ओ चिपकली, क्या हर वक्त वात्सल्य की दीवार से चिपकी रहती है। आजकल तो तू पार्क में खेलने भी नहीं आती। मैं वात्सल्य पढ़ने जाती हूँ। आप मेरे वात्सल्य है क्या? जरा मुझे भी तो बता। तुझे नहीं पता, गांव में सब लोग अपने बच्चों को वात्सल्य में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसकी इतनी मुश्किल से तो पढ़ाई से छुटकारा मिला है, तू फिर पढ़ाई की बातें लेकर बैठ गई। लेकिन वहां तो खेल खेल में पढ़ाई सिखाई जाती है। तू चल मेरे साथ, तुझे बहुत मजा आएगा। मुझे कोई उपदेश सुनने नहीं जाना। अरे तू चल तो सही, तुझे बहुत मजा आएगा। तू कह रही है तो चल के देख ही लेते हैं। हाँ चल चल। इसके बाद ये दोनों आती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या वात्सल्य में आप भी पढ़ाती हैं? हाँ, मेरे अलावा यहाँ और भी सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाते हैं। मेरी मम्मी गाँव गई हुई है और मेरी छोटी बहन सारा दिन घर में मोबाइल टीवी देखने में अपना समय बर्बाद करती रहती है। क्या मैं उसको कैसे पढ़ने भेज सकती हूँ? हाँ, कल से क्या तुम आज से ही भेज दो? बल्कि आज से तो हमारा सेंट्रलाइजेशन का कैंप भी शुरू हो रहा है। क्या मेरी मम्मी भी यहाँ कुछ सीख सकती है? हाँ, यहाँ हमारे वात्सल्य में महिलाओं को हाथ से बैग बनाना सिखाया जाता है, सिलाई का कोर्स सिखाया जाता है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया जाता है, जिसे चाहो ले या सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। क्या मेरा भाई भी यहाँ कुछ सीख सकता है? हाँ, यहाँ पहली से बारहवीं तक के बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया जाता है, कंप्यूटर क्लास सिखाई जाती है, यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ सीख सकता है। क्या मैं भी कल से आ सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम भी आ सकती हो, कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बहन का बोल तो दिया पहले, आंटी का भी बोल दिया, महिलाओं का मैं भी घर पर सारा दिन बोर होती रहती हूँ। क्या मैं भी घर से आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आ सकती हो, कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। फिर इनकी बारी खत्म हो जाती है। उसके बाद आते हैं पायल और रवि। रवि भैया, वात्सल्य में दो दिनों का क्या भैया? अच्छा, जिसके डायलॉग आएंगे ना वो बताएगा बीच में, हर कोई नहीं टोकेगा उसको। अगर गलती से छूट जाता है ना वो ही बता देगा, उस समय अगर गलती होती है तो। बाकी मैं बोलूँ सारे दिन मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। मम्मी कई बार जाने भी नहीं देती और बहुत समय से कहीं घूमने भी नहीं गई, कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाती हूँ। मैं अभी साहिल भैया से बात करती हूँ, वो तो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना भी नहीं करते। साहिल भैया, क्या सारा दिन आप विवेकानंद जी की किताबें पढ़ते रहते हो, क्या बोर नहीं होते? अरे, जो किताबें हमें हमारे देश की संस्कृति के बारे में बताती है उन्हें पढ़कर कोई बोर कैसे हो सकता है? भैया, मुझे कहीं घूमने जाना है, लॉकडाउन के कारण सब बंद है, बीमारी फैली हुई है, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं है।
लेकिन भैया आप कल ही तो कह रहे थे कि आप दो दिनों के लिए किसी कैंप में घूमने जा रहे हो। हाँ माँ तो तू भी चल सकती है। वहाँ है क्या? वहाँ खुद से खुद की पहचान कराई जाती है। ओफो भैया आप पे तो किसी भूत का साया है। ठहरो मैं अभी झाड़ा लगा देती हूँ। अरे तुझे इस अंधविश्वास से निकालना तो बहुत जरूरी है। अब तो तुम्हें साथ जरूर जाएगी। ओफो ओ इससे अच्छा होता मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम ही बना लेती। फिर वापस चले जाती है। फिर पायल और रवि। पायल रवि भैया मसाले में दो दिनों का कैंप लग रहा है। मैं उसमें अपना नाम लिखाने जा रही हूँ। आप भी चलोगे क्या? किस चीज का कैंप है? सेल्फियलाइजेशन का कैंप है भैया। वो क्या होता है? पहले तो कभी नहीं सुना। भैया वहां में ये बताया था हमारी खुद से पहचान हमें हमारे बारे में बताया जाएगा। अरे तू पागल तो नहीं हो भैया? कैसी भैगी भैगी बातें कर रही है? अब हमें तो कोई और बताए हमारे भाई बारे में। नहीं भैया आप गलत समझ रहे हो। वहां में ये बताया जाएगा कि इस दुनिया में क्या करने के लिए आए। अरे मौज मस्ती करने के लिए आए, ये भी कोई सीखने की बात है? नहीं भैया चलो तो हो सकता है आपकी सोच में कुछ बदलाव आ जाए। तू कह रही है तो चल के देख लेता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ मौज मस्ती करने को चाहिए, मुझे वो सीखने को मत कहना ठीक है? अरे भैया चलो तो। चल भाई तू बोल रहे तो चल के देख ही लेते हैं। चल चलो भाई मैं तुम्हारा भी करूँ। इसके बाद किसका किसका? अच्छा इसके बाद वो अंग्रेज बन के आ गए। तो सर अब आएगा हम आएगा किसी तो। वो अंग्रेज बन के आ रहा है। वो मैडम जी वहाँ बैठी है ऐसे ऐसे। अच्छा अरे यार मैं अच्छा भला विदेश में मौज ले रहा था, पता नहीं पापा जी ने कहा बस क्यों बुला लिया और जबरदस्ती सर्वेलाइजेशन कैंप में भी मेरा नाम लगा दिया। और अरे अरे सॉरी सॉरी ध्यान दे बताना इसे टक्कर हो गई। मैं तुझे भाई जी दिखती हूँ। मैंने तो काला चश्मा उतार और देख मैं कहा दूँ मैं भी देखू तुझे। तू मुझे देखेगा तो मैं तेरी आगे नहीं फोड़ दूंगी। फिरंगी कहेगा वो देख बोर्ड पे लिखा हुआ मैं कौन हूँ। ओ जंगली बिल्ली तो ना छोड़ मेरा। अरे अरे आप दोनों लड़ो मत हमारा। आज हम सब लोग आप सबके सामने बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन देंगे ताकि हम सब एक दूसरे को जान सके और हम खुद भी जान सके कि हम कौन हैं। तो आइए सबसे पहले मिश्र का ध्यान करेंगे और ओम के जाप के साथ हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देन ओम ओम ओम। उसके बाद कौन आता है पहले? खुशी। भगवान तो बहुत बोर करने वाला है। कहाँ फंसा दिया भैया ने मुझे? पापा जी मुझे तो घर वापस हम दो फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। मेरे तो सिर के ऊपर से निकल गया सब कुछ। ऐसा ना मैं खुद को भूल जाऊँ मैं कौन हूँ। मुझे तो पता था मुझे तो पता था मेरे दिमाग का दही होने वाला है। कहाँ फंस गया मैं भी? हाँ नहीं तो मेरी एंट्री होती है। बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम प्रणव है। मैंने विदेश से हवाई जहाजों की मरम्मत का काम सीखा है ताकि जो जहाज उड़ान ना भर पा रहे हो उन्हें मरम्मत करके उड़ने के काबिल बनाया जा सके। तुम यहाँ करने के आए हो? मैंने इस गांव को चुना ताकि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों को बस भाग गया मैंने इस गांव को चुना ताकि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों और बच्चों की सोच को उड़ान का ऐसा तरीका सिखा सकूं जिससे उन्हें जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए और वे किसी भी कार्य को करने के लिए हिचकिचाए नहीं। तो आइए सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। मेरा नाम खुशी है। लेकिन आप खुश तो नहीं लग रहे। लेकिन आपको कैसे पता? मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ और आजकल सारा दिन बोर होती रहती हूँ। इंसान जब तक इस धरती पर रहता है वह हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता है। रही बात बोर होने की तो उसके लिए समय होना चाहिए। लेकिन समय है ना, समय तो भाग रहा है। आपको समय को पकड़ना आना चाहिए। समय को कैसे पकड़ा जाता है? जो भी बलखाले मिले उसे किसी ना किसी सीख से बतो। आपने तो मेरी प्रॉब्लम चुटके में सोल्व कर दी। थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम पायल है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, जो स्टूडेंट है वही तो सीखने की क्षमता रखता है। मुझे मेरी नानी जी ने ये बताया था कि हमें यहाँ ये बताया जाएगा कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। हम सबको भगवान ने पैदा किया है इसलिए हम सब भाई और बहन हैं। हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं। हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं
क्या नहीं करना चाहिए। अरे फालतू की बात, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फालतू की बातें क्या होती है ये बताओ जरा। शायद मैं भी फालतू की बातें कर रहा हूँ, यही तो है खुद को जानना। अब आप जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हमें कभी किसी को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए, हमें कहीं भी कभी भी मासी जी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए सर? प्रकृति के पांच तत्व, धरती, आकाश, वायु, जल और आग, ये सभी विश्वास भाव से आने के समय में सबकी सेवा करते हैं। हमें भी इनसे यही सीखना चाहिए। और इसके अलावा हमें सबसे प्यार करने चाहिए। हमें भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए सर? संसार के सभी जीवों में भगवान का अंश है। अगर हम सब में भगवान को देख पाएंगे तो हम कभी किसी का बुरा सोचेंगे नहीं, और अगर हम कभी किसी का बुरा सोचेंगे नहीं तो भगवान हमारा भला स्वयं करेंगे। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में जानने के लिए ना आपको इसी गली में आना पड़ेगा। हाँ, मेरे बारे में जानना है ना तो तुम्हें मेरी गली में आना पड़ेगा। गलियों में घूमकर समझ में बात करना तो अच्छी बात नहीं है। रही बात तुम्हारी, तुम तो लक्ष्मी रूप हो, असली झलक केवल मंदिर में होती है, और घर से अच्छा तो कोई भी मंदिर नहीं होता। मेरा मन नहीं लगता घर पे शादी की, ये मत करो वो मत करो, समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, तुम हमारे वात्सल्य में आ जाओ। बात पढ़ाई के साथ साथ काफी अच्छी चीजें सीख सकती हो। अगर तुम सारा दिन अच्छे काम करोगे तो तुम्हें कोई किसी चीज के लिए रोकेगा ही नहीं। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? आपने पहले ढूंढा ही नहीं तो मिलता कैसे? क्योंकि जहाँ चाह होती है वही तो राह होती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में हमेशा अच्छी सोच के चाह रखोगे तो आपको आपकी मंजिल तुरंत मिल जाएगी। मुझे सही राह दिखाने के लिए थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे तो मेरे साहिल भैया जबरदस्ती लाए मुझे तो मेरे साहिल भैया जबरदस्ती लाए मैं तो कहीं घूमने का प्रोग्राम बना ली थी। आपके साहिल भैया ने तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है, आपको लाने वाले तो खुद भगवान है। उनकी मर्जी में ना तो पत्ता भी नहीं मिलता। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं आपके भगवान? मेरे और आपके भगवान तो एक ही है। हाँ, आपकी सोच ने अगर आपको सबसे अलग किया हुआ है। वो क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सोच भले ही नहीं रखो लेकिन संस्कार हमेशा पुराने ही होने चाहिए। वो क्या? यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वे सभी के सभी ये जानना चाहते हैं कि हम सब खुश कैसे रह सकते हैं। हम सब खुश तभी रह सकते हैं जब हम सब एक दूसरे को खुश रखेंगे और आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। हमें खुश कैसे रहना चाहिए? जो भी फल खाली मिले उसे जरूरतमंद में बांट कर। आपने ठीक कहा सर, खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि तालीम वो नहीं जो कैसे कमाना है ये पढ़ाए, तालीम वो है जो क्या कमाना है ये सिखाए। थैंक यू सर। उसके बाद मेरी सोच भी बहुत गलत थी। हाँ, मेरी सोच भी बहुत गलत थी। देखो भाई, इंसान की नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। मुझे मेरी खुद से पहचान करवाने के लिए थैंक यू सर। आप इतने क्यों बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं? अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे तो मेरे घर वालों ने बेचैन कर रखा है। मुझे तो मेरे घर वालों ने बेचैन कर रखा है। किसी के भी घर वाले उसके दुश्मन नहीं होते। जरा बताओ तो सही, तुम इतने बेचैन क्यों? मैं इतना पढ़ लिख करना इस पिछड़े हुए गांव में नहीं रहना चाहता। तो अपनी योग्यता से इस गांव का पिछड़ापन खत्म कर दो। तुम इस गांव के हो गया? नहीं, मैं इस गांव का तो नहीं हूँ लेकिन ये गांव मेरा है। अच्छा, तो तुम्हें सरकार ने नौकरी पर रखा है? मुझे किसी ने नौकरी पर नहीं रखा, मैंने तो खुद अपनी मर्जी से रब के बंदों की सेवा के लिए इस गांव को चुना है। लेकिन मुझे मेरे वात्सल्य से ये शिक्षा मिली है कि हमें हमारे जीवन में क्या कमाना चाहिए। क्या कमाना सीखा तुमने यहाँ से? जब हम जग में आए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए।
आप धन्य है सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा नाम, मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं विदेश से पढ़कर आया हूँ तो यही मेरी असली पहचान है, लेकिन मैं गलत था। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की संस्कृति हमें ये बताती है, हिंदुस्तान की संस्कृति ये बताती है कि इंसान की पहचान। भारतीय संस्कृति भूलता जा रहा था, लेकिन मसाले के दो दिनों के सेंट्रलाइजेशन कैंप में आने के बाद मुझे पता लगा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की संस्कृति ये बताती है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके कर्मों से होती है। धन्य है हम सभी लोग मसाले से ये शिक्षा पाकर कि हम कौन है और इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं। इसलिए जो शिक्षा हमें हमारे मसाले से मिली है उसे हम हर जरूरत में बांट कर इस धरती पर नया स्वर्ग बनाएंगे। हमारे देश को आप जैसे ही नौजवानों की जरूरत है जो अपने जीवन का उद्देश्य समझ के हर किसी की मदद कर सके। तो देखा आप सभी लोगों ने कि कैसे लॉकडाउन की वजह से बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई से हटता जा रहा था, उनका मन पढ़ाई से हटकर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, गेम स्क्रीन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा था। लेकिन आइए देखते हैं कि जब बच्चे हमारे वात्सल्य परिवार से जुड़े और उन्हें हमारे वात्सल्य से वैदिक शिक्षा के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके विचारों में कितने नए परिवर्तन है। तो आइए सुनते हैं कुछ बुरी उर्दू। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का भला ना हो। हमें सबसे प्यार करना चाहिए और सबकी सेवा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता की मदद करे। उठो जागो चलते रहो, उठो जागो। पहले ऐसे करती थी, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिल जाए। कौन है ऐसे ऐसे करके जो चलता है? अच्छा चलती है। हमें मदद करने के लिए धन की नहीं अच्छे मन की जरूरत होती है। पक्षी कभी भी अपने बच्चों के जीवन के लिए उन्हें घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। हमें भगवान को देखना चाहिए। भगवान के लोग बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर है। लोग मुझ पर इसलिए हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं उनसे अलग हूं, लेकिन मैं इसलिए हंसता हूं क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसे मन की शांति बढ़े, चरित्र का निर्माण हो, मन की शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सके। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छी बातें सोचनी चाहिए। जीवन में बने बनाए रास्ते नहीं मिलते, हमें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, ये तो बोलती है और भाग लेती है। फिर हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। मिट्टी में हम जन्मे खेले, मिट्टी में मिल जाना है, सुगंध हवा में छोड़ जाए, मौत तो एक बहाना है, मानव जीवन मिला, तराश कर दूध को निखार दूं, मधु मास हर मौसम को करूं, हर दुखी को प्यार दूं। तो देखा आप सभी लोगों ने कि कैसे लॉकडाउन की वजह से बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई से हटता जा रहा था, उनका मन पढ़ाई से हटकर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, गेम स्क्रीन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा था। लेकिन जब बच्चे हमारे वात्सल्य में आए और वे हमारे वात्सल्य परिवार का हिस्सा बने और उन्हें हमारे वात्सल्य परिवार से वैदिक शिक्षा के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके विचारों में कितने इतने परिवर्तन आए। तो ये तो आप सभी देख ही चुके हैं, बच्चों के विचार कितने अच्छे हो गए हैं। तो आइए ये और देखते हैं कि जब महिलाएं हमारे वात्सल्य में आई और वे हमारे वात्सल्य परिवार का हिस्सा बनी तो उन्होंने यहाँ से क्या क्या नया बनाना सीखा। हमारे मसाले से जुड़ने के बाद बच्चों ने तो काफी कुछ सीखा, साथ